मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जनधन योजना को आज 7 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। अपने ट्वीट में पीएम ने कहा कि इस पहल ने भारत के विकास की दिशा को बदल दिया। मोदी ने कहा, इस योजना ने आर्थिक समावेश के साथ अनगिनत भारतीयों को सम्मान का जीवन दिया और उनका सशक्तिकरण किया है। पूर्व में वरिष्ठ नौकरशाह रहे अरविंद केजरीवाल ने आज से 10 साल पहले शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए लोकपाल मुद्दे पर आंदोलन चलाकर उन्होंने भारी जनसमर्थन हासिल किया और 2012 में आम आदमी पार्टी बनाकर दिल्ली की सत्ता तक जा पहुंचे। अब वे अब तक 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 4 साल के भीतर दूसरी बार गोरखपुर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को भटहट के पीपरी में स्थित प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति सुबह सेना के वायुयान से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भटहट के पीपरी पहुंचे। शिलान्यास समारोह में देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। बताया गया है कि रुजिरा से कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के कथित आरोपों को लेकर 1 सितम्बर को पूछताछ की जा सकती है, जबकि अभिषेक को 6 सितम्बर को पूछताछ के लिए आने को कहा गया है। पूर्वांचल की सियासत में खासा दखल कर रखने वाले बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिपकातुल्लाह अंसारी शनिवार को समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए। उनके साथ अंबिका चौधरी ने भी सपा की सदस्यता ले ली। इस अवसर पर चौधरी भावुक भी हो गए, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सांत्वना दी। अगर आप जल्द ही करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं तो मुमकिन है कि आप इसके लिए सही समय पर निवेश करना शुरू कर देते हैं तो आने वाले समय में आपका ये अरमान पूरा हो जाएगा। बस इसके लिए आपको करना होगा हर दिन 95 रुपए का निवेश। एक्सिस बैंक के SIP कैलकुलेटर के मुताबिक अगर आप हर माह 2,861 रुपए का निवेश करते हैं तो 30 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपए की रकम मिल जाएगी। हर दिन 95 रुपए और हर महीने 2,861 रुपए की किस्त देकर आप 3 दशक बाद करोड़पति बन जाएंगे। इसके बाद अनुमानित रिटर्न 12% तय है। हालांकि रिटर्न में बदलाव संभव है। बाजार के आधार पर निवेशक को ज्यादा या कम रिटर्न भी मिल सकता है। आप अगर किस्मत पर विश्वास नहीं करते हैं तो ये खबर पढ़ लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक किसान को खुदाई के दौरान 6.47 कैरेट गुणवत्ता का हीरा मिला है। किसान ने यह जमीन सरकार से लीज पर ली थी। इससे पहले भी 2 साल के अंदर 5 बार किसान को हीरा मिल चुका है। इसकी पुष्टि करते हुए प्रभारी हीरा अधिकारी नूतन जैन ने बताया कि जरुआपुर गांव की एक खदान में शुक्रवार को प्रकाश मजूमदार को हीरा मिला है। सरकार ने LIC IPO बेचने की कवायद तेज कर दी है। इस सिलसिले में केंद्र ने 10 मर्चेंट बैंकरों को चयनित किया है। सितंबर में इनके नामों के ऐलान की संभावना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिछले महीने LIC के IPO प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। IPO का संभावित साइज भारतीय बाजारों में बड़ा होने की उम्मीद है। सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी पेशकश के लिए मर्चेंट बैंकरों का चुनाव किया है। टीवी अभिनेता गौरव दीक्षित को 30 अगस्त तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेजा गया है। बता दें कि NCB ने गौरव दीक्षित के घर से MD और चरस बरामद किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं अब वो 30 अगस्त तक के लिए NCB की हिरासत में ही रहेंगे। गौरतलब है कि गौरव को अभिनेता एजाज खान से पूछताछ मामले में संबंध में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पहले भी कई गिरफ्तारी और पूछताछ हो चुकी है। बॉलीवुड के एक ग्रेट कलाकारों के अलावा टीवी एक्टर्स पर भी NCB का शिकंजा कसा है। बॉलीवुड गलियारों में अक्सर किसी न किसी के प्यार के किस्से सुनाई दिए जाते हैं। पहले की तुलना में अब स्लैब्स खुलकर शादी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और शादी भी रचा रहे हैं। हालांकि अभी भी बॉलीवुड में कई ऐसे स्लैब्स हैं जिनकी शादी की राह उनके फैंस देख रहे हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर का नाम भी शामिल है। श्रद्धा बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन है, लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी की बातें खुलकर मीडिया के सामने नहीं रखती हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में ऐसी खबरें आ रही थी कि श्रद्धा फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ को डेट कर रही हैं। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।